दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। आज का टॉपिक है, हम बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद द्वितीय वर्ष में जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है, विशेष रूप से चंद्रप्रभ दिगंबर जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय तिजारा की छात्राओं के लिए, जो कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान के सानिध्य में आता है, और राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों के भी द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम की स्थिति यही है, अर्थात हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम यही है। तो उस सब की हम विस्तार से चर्चा करेंगे, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उसका अंक विभाजन वगैरह। हिंदी साहित्य के अंदर प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर, काव्य विभाजन को लेकर के प्रश्न पत्र विभाजित किया गया है। बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम। जैसा कि हमने बताया कि चंद्रप्रभ दिगंबर जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय तिजारा की छात्राओं एवं बाकी किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हो, सबके लिए पाठ्यक्रम है, जिसके काम क्या हो उसके बाद इस पाठ्यक्रम से संबंधित हम वीडियो बनाते जाएंगे, और इसमें जो भी टॉपिक है उन सबकी विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में उन सब से संबंधित प्रश्न भी देंगे, उनके उत्तर भी देंगे। तो विषय हिंदी का द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य। इसमें चार इकाइयाँ हैं। प्रथम इकाई में काव्य संकलन है, जिसमें केशवदास की रामचंद्रिका से कुछ पद लिए गए हैं जिनको पढ़ना है और उनके पदों का अर्थ लिखना है, व्याख्या करनी है। बिहारी है, बिहारी के कुछ दोहाएंगे। बिहारी की एक पुस्तक है बिहारी रत्नाकर, ये संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, उनके द्वारा संपादित की गई है, उससे कुछ दोहे हैं। देव के कुछ पद हैं, कवि देव के, और भूषण कवि भूषण के पद हैं। भूषण ग्रंथावली एक पुस्तक है जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादित की है, उसमें से भूषण के कुछ पद लिए जाएंगे। घनानंद के कवित्व जो कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक है, वो संपादित की है, उसमें से कुछ कवित्व लिए जाएंगे। पद्माकर के कुछ पद हैं, पद्माकर ग्रंथावली संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा है। सेनापति के कुछ पद हैं, सेनापति कृत कवित्व संपादक उमाशंकर शुक्ल द्वारा। आलम ग्रंथावली संपादक विद्यानिवास मिश्र की पुस्तक है, आलम के कुछ पद लिए जाएंगे उसमें से। तो ये था प्रथम इकाई काव्य का। द्वितीय इकाई में रीतिकाल का इतिहास है, रीतिकाल के इतिहास के बारे में पूरी चर्चा इसमें की जाएगी, बताया जाएगा। और ये प्रथम इकाई में जो काव्य संकलन, ये भी रीतिकाल के सारे कवि हैं, पूरा रीतिकालीन काव्य है। तृतीय इकाई में काव्य की रीतियाँ, काव्य के गुण, काव्य के दोष, रस की परिभाषा, प्रकार, रसावयव आदि सब आएंगे। अब ये जो तीन इकाइयां हैं, तो तीन इकाइयों के अंक विभाजन देखते हैं। कुल 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा ये, और समय 3 घंटा होगा। कुल 4 व्याख्याएं आएंगी प्रथम इकाई से, यानी कि काव्य से। एक व्याख्या 8 अंक की होगी, तो 32 अंक की ये होगी व्याख्याएं। आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न प्रथम इकाई से होंगे, जो कि 15 अंक का होगा, 30 अंक हो गए। 3 लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे जो द्वितीय एवं तृतीय इकाई से होंगे, इनकी शब्द सीमा, उत्तर सीमा 50 शब्द होगी, ये 3 अंक के होंगे, 5 अंक के होंगे, तो 15 अंक हो गए। 4 अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे द्वितीय एवं तृतीय इकाई से होंगे, अर्थात ये कुल मिलाकर के 15 अंक के, 8 अंक के ये हो गए। तो आंतरिक विकल्प सभी प्रश्नों में दे होगा। अब हम बात करते हैं बीए द्वितीय वर्ष के ही प्रथम प्रश्न पत्र को हमने जान लिया। द्वितीय प्रश्न पत्र है विषय हिंदी साहित्य का, द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है नाटक एवं एकांकी, अर्थात ये पूरा प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी से ही संबंधित होगा। इसमें प्रथम जो इकाई है उसमें नाटक है, जयशंकर प्रसाद का बड़ा ही चर्चित और प्रसिद्ध ध्रुव स्वामी नाटक इसमें संकलित किया गया है। द्वितीय इकाई एकांकी है, इसमें 8 एकांकियां हैं, रामकुमार वर्मा की दीपदान, भुवनेश्वर की ऊसर, उदय शंकर भट्ट की पर्दे के पीछे, लक्ष्मी नारायण मिश्र की बलहीन, उपेंद्रनाथ अश की सूखी डाली, जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी,
विष्णु प्रभाकर की ओर वह जा न सकी, लक्ष्मी नारायण लाल की वसंत ऋतु का सपना, ये 8 एकांकियाँ हैं। इनसे संबंधित व्याख्या और प्रश्न कैसे आएंगे वह अंक विभाजन में करेंगे। तृतीय इकाई में नाटक का उद्भव एवं विकास है और चतुर्थ इकाई में एकांकी का उद्भव एवं विकास है। इस तरह से नाटक व एकांकी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस प्रश्न पत्र के माध्यम से मिल जाएगी और इसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये भी 100 अंक का आपका पेपर होगा और समय सीमा वही 3 घंटे है निर्धारित। कुल 4 व्याख्याएं होंगी जिसमें से 2 नाटक से और 2 एकांकी से। एक व्याख्या 8 अंक की होगी तो 32 अंक का यह प्रश्न हो गया। 3 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 1 नाटक से और 2 एकांकी से। एक प्रश्न 15 अंक का तो 45 अंक के ये प्रश्न हो गए। 3 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, 1 नाटक से तथा 2 एकांकी संग्रह से। इसकी उत्तर सीमा 50 शब्दों में हो सकती है। ये 5 अंक के होंगे तो 15 अंक के ये हो गए। 4 अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, 2 नाटक से तथा 2 एकांकी संग्रह से। इनकी उत्तर सीमा 20 शब्द होगी और 4 होंगे, 2 अंक के होंगे, 1-2 अंक का होगा तो 8 अंक ये हो गए। 100 अंक का पेपर आपका ये हो गया। आंतरिक विकल्प सभी प्रश्नों में दे होगा, अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई एक व्याख्या पूछी जाती है तो उसमें अथवा भी दूसरी व्याख्या दी जाएगी, तो इस तरह से आंतरिक विकल्प का मतलब ये है। लगभग सभी प्रश्नों में जैसे कि लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, आलोचनात्मक और व्याख्याएं, इन सभी प्रश्नों में ये आंतरिक विकल्प वाली व्यवस्था रहेगी। तो विद्यार्थियों दोस्तों, ये पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय भर्तृहरि, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर एवं अन्य दूसरी यूनिवर्सिटियों का भी हो सकता है, लेकिन ये द्वितीय वर्ष का हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है। इससे संबंधित हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपने ये वीडियो पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जल्दी ही हम दूसरी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।